यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद अब सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। सरकार के गठन से पहले सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बीजेपी के नेतृत्व की चर्चा जारी है। गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं ने भेंट की। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल दिल्ली में नड्डा से मिलने पहुंची। इसके अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी नड्डा से मुलाकात की। फिल्म कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद देश में एक बार फिर से कश्मीर के हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग ने जोर पकड़ी है। कश्मीर घाटी में लंबे समय से बंद पड़े हिंदू मंदिरों में फिर से पूजा शुरू कराने के लिए वाराणसी के पुरोहितों ने पीएम से अनुमति मांगी है। वाराणसी में काशी विद्वंत कर्मकांड परिषद की ओर से काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये बात कही है। परिषद के आचार्यों का कहना है कि अगर पीएम इजाजत देते हैं तो वह काशी के पुरोहितों के साथ कश्मीर के मंदिरों में विधि पूर्वक पूजन करने जाना चाहेंगे। यूपी में कोरोना संक्रमण मामलों में कमी के चलते अब पूर्व की भांति आम जीवन सुचारू ढंग से चलने लगा है। वहीं होली से पहले उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से संक्रमण की वजह से लगे प्रतिबंधों में बुधवार राहत दी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी स्विमिंग पूल और वाटर पार्क, आंगनबाड़ी केंद्र और शादी समारोह स्थल को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजन कराए जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मास्क पहनने की अनिवार्यता रहेगी। 10 मार्च को मतगणना और उससे पहले ईवीएम बदले जाने की अफवाहों के चलते पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की गाड़ियों को रोककर चेकिंग करना अब सपाइयों पर भारी पड़ रहा है। अलग अलग जिलों में 2500 से ज्यादा सपाइयों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने गंभीर धाराओं में मामले दर्ज करवाए हैं। इन पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने, सरकारी काम में बाधा डालने और चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। जल्द ही इन मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। होली के त्योहार को देखते हुए लखनऊ के 22 मस्जिदों में जुमे की नमाज देर से पढ़ी जाएगी। इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सुन्नी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुसलमानों के लिए सूचना जारी की है। उन्होंने कहा है कि आम तौर पर जुमे की नमाज और खुतबा दोपहर 12:30 बजे पढ़ा जाता है, लेकिन इस बार होली के चलते ज्यादातर मस्जिदों में नमाज होली के दिन लखनऊ में शबे बारात और जुमा एक साथ मनाया जाना है 1:30 बजे के बाद पढ़ी जाएगी।